को कैसे मार रहे थे पट पट पट। भैया जात का ब्लड टेस्ट हुआ था। हां के बाहर अपना वर्ड चीकू का खाना लगाओ, फिर वो खाएगा नहीं, उसको खाना खिला के फिर भी का सम्राट है। मैं मांग मैं भी जा रहा हूं। बच्चे तुम्हारी सीक्रेट बात नीचे करना, 5 रुपए जाओ चलो। एक खाना मैं डिलीट कर दी, इधर आ पहले इधर आ। हेलो गाइज, जैसा कि अब आपको पता चल ही गया है कि कृतिका मलिक के बेबी बॉय हो चुका है। अब वह चीकू से अच्छा बिहेव नहीं कर रही है, जिससे कि पायल बहुत ज़्यादा रो रही है और पायल और कृतिका के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही है बच्चों को लेकर। जैसा कि वे अब अपने बच्चे को ज़्यादा प्यार करने लगी है तो चीकू के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, तो इसके लिए दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही है। आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा कि ये सारी दिक्कतें इसीलिए आ रही हैं और जो मुझे चीज दिख रही थी वो एक बात होता अरे वो ऐसे बात हो रही थी। घर पर आते ही पायल ने गोलू को और उनके बच्चे का बहुत ही अच्छी तरह से ग्रैंड वेलकम किया था, लेकिन गोलू को कुछ ऐसा हुआ कि वो चीकू के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है और पायल को भी बहुत उल्टा सीधा बोल रही है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैं ही केवल बच्चे की माँ हूँ और कोई नहीं है, तो इस तरह से पायल को उनकी बातें काफ़ी ज़्यादा कड़वी लगने लगी और बुरा भी लगने लगा, जिससे कि पायल खूब ज़्यादा रो रही है और सभी उनको समझा रहे हैं। लेकिन गोलू क्या है, बहुत ज़्यादा बदल चुकी है क्योंकि अब उसका अपना बेबी बॉय आ चुका है, जिससे कि वो चीकू को बिल्कुल भी प्यार नहीं कर रही है। तो अभी आपने पीछे वीडियो में देखा है पायल ने क्या कहा है कि गोलू अभी बच्चे को पटपट मार रही थी। उन्होंने कहा है कि मैंने खुद अपनी नज़रों से देखा है कि गोलू अब चीकू को पटपट मार रही थी। तो इस तरह से गोलू का व्यवहार चीकू के लिए हो चुका है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ।